ये माइकल है, ये कैसे मेरा छह मार रही है। आइए देखते हैं। जस्ट मोडिफिक क्या हालचाल है आप सभी का, बात है होपफुली आप सब बच्चों में। सो गाइस टाइम आ चुका है, मैंने बैट निकाली है, गली में बच्चे खेलने क्रिकेट, उनसे बैटिंग मांगते हैं एक बार, देखते हैं खेल पाते हैं कि नहीं, इतने दिनों बाद देखते देंगे कि नहीं। सो गाइस हमारा पुराना बैट आज निकल गया है, सभी तो बैटिंग कर रहा है प्लास्टिक के बैग से। नहीं अजीब नहीं लगती हमें, हमें अच्छा लगता है। चलो यार पकड़ लिया, आउट है वन टिप। हाँ पकड़ नहीं पाए, पकड़ लिया। मोबाइल पे मत मार देना, फट जाएगी मोबाइल भी। इसका सीन अगर सामने कैमरे जाकर कितना मस्त रहता ना। यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया, मेरी बैटिंग खत्म हो गया, हमारे रन कितने बने अभी? 14। ये कैप्टन है, 14 रन। अकेले भी हमारे 7 रन बनाए हैं, देख सकते हैं आप। और ये ये हमारा खिलाड़ी बंदा, इसने बनाया रन तो। ओ मैंने 7 बनाया, मेरे को बंद बोला छक्का मारो अकेला, मैंने 4 मारे हैं इधर। अबे इसके लगी भाई, क्यों बताएगा वो? मेरा मुंह से निकल रही भैया, मेरे मुंह से निकल। मैच कहां से पूरा होगा, बॉल ही घूम गई, ये हमारे निराश खिलाड़ी बैठे हुए हैं। मेरी बैटिंग तो हो गई, जब बॉल मिलेगी तब खेलेंगे। ऐसे देखो केशव भैया क्यों मंगा लो, मेरी तो बैटिंग हो गई है। चल छोड़ अब नहीं खेल ले, बैटिंग तो हो गई ना, चलो छोड़ो अब बैटिंग तो हो ही गई, हम खेलेंगे। मैंने तो अपनी बैटिंग ले ली और वापस आ गया घर में, बुला रहे भाई। पता है क्यों नहीं खेला, क्योंकि गली में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या देख रहे हो हमें खेलते हैं। हमारा ही मन करता है कभी खेलने से, खेलने का, इसलिए खेल लेते हैं। ऐसे झुंड बना के तीन कबूतरों ने झुंड बना रखा है, ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे क्या देख लिया हो पता नहीं, तो इसलिए बाहर अंदर ही आ गया। बैटिंग लेने के बाद आया, लेकिन बैटिंग तक मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ अबे उधर देख कैसे देख रहे हैं वो लोग,
तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे और इनके साथ एक अधेड़ उम्र का घोड़ा के साथ ये अधेड़ उम्र का घोड़े को देखो देखो वो रे भैया खेल नहीं पा रहे तो कोई खासा है उसका देखो छी आम नाली में डाल दिया दे दे बाल संभाल ले खेलना नहीं आता तानी भाई मार भाई बात बोल रही है मुंह बचा ले ओ आउट एलपीडब्ल्यू आउट आज देख रहे इस बैट की ट्रेडिंग निकल गई है इसमें ट्रेडिंग दोबारा करवानी पड़ेगी और ये स्टिकर यार निकाल दिया इन लोगों ने मैंने कभी नहीं निकाला इन लोगों ने निकाल दिया हमारी गली में कुछ लोग डायरेक्ट बड़ी पैदा हो गई ये बहुत तेज शॉट मारे इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा तो गाइस लोगों के घर में गलियों में लगे रहते होंगे कैमरे हमारे में तो स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगा है अरे भैया मेरा नहीं हमें जरूरत नहीं है और तूने देख लिया उस साइड वाले कट कर देना प्लीज तो गाइस ये बाहर खेलने की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई है खाना खा लेते हैं पबजी है अब चलो बस कुछ दिन की और दिक्कत है उसके बाद तो मम्मी आई रही है 17 की टिकट है मम्मी की 18 रुपये आप आ जाएंगे सुबह सुबह तब सारी हमारी दिक्कतें खत्म हो गई तब माँ तो माँ होती है उनके आते ही सारी दिक्कत खत्म हो गई पहले सारा काम करो अलग ही रूटीन हो गया था आपको रूटीन सेट हो जाएगा अपने आप तो भाई देखो कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है अभी मैं बैठा हुआ था एकदम से शौक हो गया लाइक करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें अरे वो सब तो ठीक है लेकिन ऐसे तुम दूसरों से अरे साले हम तो डांट रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें बाय बाय गाइस नाम की कोई चीज नहीं है मस्त खिलकी खोल के हाय हेलो कर लेते हैं तो ये दिल हमारा किसी के लिए कुछ कह रहे हैं कल मार लगाऊंगा पड़ोसी हमारे काफ़ी गलत बात है यार बच्चों को अगर बचपना नहीं जी पाएंगे वो और इतनी उम्र के भी नहीं है वो पार्क में जाके एक मैच लगाए तो गली में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे ना आप लोग भी ये समझो आप लोग भी एक टाइम पे बच्चे थे क्या पता ये बच्चे ही ना हो सीधा बड़े पैदा हो गए कुछ कह नहीं सकते गाइस ऐसे लोगों का जिस टाइम पे मुझे याद है कि मैं भी खेलता था एक ही चीज़ शोर मचा रखा है क्या है क्या हल्ला मचा रखा है जाके ग्राउंड में खेलो ना है दोपहर में सोचा सो गए शाम में सो गया था थोड़ी देर के लिए रोज ही सो गया था कल नहीं सोया था बस सो गए शाम में सोया अभी 8 बज रहे हैं अब जाके नींद खुली है सोच रहा हूँ खाने में क्या बनाऊँ खाना वैसे खाया था दोपहर में तो पेट फुल फुल सही लग रहा है मैं सोच रहा हूँ मैगी ले आता हूँ एक और छाछ का पैकेट ले आता हूँ नमकीन छाछ तो मैगी खा लेंगे छाछ पी लेंगे चलते हैं लेके आते हैं मार्केट कर देता हूँ घर इस बाइक बाइक से भी पैदल देंगे सो हियर इज माय मैगी एंड क्या कहते हैं छाछ तो मैगी बनाते हैं बनाते हैं अच्छा अच्छी पीते हैं लगते हैं अब काम पे एक प्याज और टमाटर इनफ और एक मैगी के लिए इनफ है तो उसे काटते हैं पहले धोके तो गाइस मैगी के लिए सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं प्याज भी काट लिए हैं और टमाटर भी है ऑयल गर्म हो चुका है इसमें डालते हैं जीरा इसमें डालेंगे प्याज प्याज टमाटर भून चुके हैं उसमें मसाले डालते हैं देख लो हमारा मसाला तैयार हो गया इसमें सारे मसाले डाल दिए थोड़े थोड़े और मैगी मसाला भी डाल दिया इसमें डालूंगा मैगी कच्ची मैगी खाने में मजा आता है ऐसे खा लेगा पूरा पैकेट भी खा जाता हूँ मस्त लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी नमकीन नमकीन चाय वाले मैगी डालने का क्योंकि हमारी मैगी तो मैंने डाली थी जैसे जैसे सवित भी आ गया तो सवित के लिए भी एक पैकेट डाल दिया इसमें तो सवित भी खा लेगा
दोनों पैकेट से लून डाल दिए, पहले एक ही बना रहा था मैं, लून डाल दिया, मैगी बस रेडी हो गई। क्या करे गाइस, हमारे कुकिंग के सब इतने ज़्यादा फैन हो रखे हैं, सब कहते हैं भाई मुझे भी अपने हाथ से खिला दो मुझे। गाइस सच बता रहा हूँ, अगर एक बार आपने मेरे हाथ की मैगी खा ली ना, आपको उससे प्यार ही हो जाएगा। ऐसे चुनिंदा चुनिंदा मसाले डालता हूँ मैं इसमें मैगी के अलावा, ये खुद के पीसे हुए मसाले हैं, स्पेशल जो कहते हैं ना स्पेशल मसाला, वो रहता है मेरे पास पूरा। जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक टेस्ट नहीं आएगा। मैगी रेडी हो चुकी है, इसकी भी आ गई है, ये देखो पबजी में लगा पड़ा है अपने पापा के फोन से। मैगी वैगी खाते हैं। सो गाइस अभी जा चुका अपने घर पे और हमने खाना पीना खा लिया, ब्लॉक वगैरह कर लिया, गेट हाउस सोते हैं और कल पापा की ट्रेन है और मम्मी पापा आ जाएंगे दोनों। सो इस ब्लॉक का करते हैं यहीं पे एंड। होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन सब्सक्राइब मेरे चैनल और नींद बहुत बेहतर आए सीधा सो लूँगा मैं वीडियो बंद करते के साथ एडिटिंग में सुबह उठी करूँगा। बाय गाइस, लव यू ऑल।